नमस्कार दोस्तों, भगवान गणपति के बारे में तो सभी जानते हैं। वह कितने प्यारे और कितने सुंदर हैं, जैसे गोलू मोलू की तरह होते हैं। गणेश भगवान के इतने नाम हैं, उन नामों के हिसाब से अगर देखा जाए तो भगवान गणेश के नाम उनकी विशेषता बताते हैं। जैसे विघ्नहर्ता, उसका मतलब होता है विघ्न को हरने वाले, यानी कि समस्याओं और बाधाओं को हरने वाले। और ऐसे ही उनमें से एक नाम है चिंतामणि। तो आज जानते हैं भगवान गणेश के चिंतामणि के नाम का क्या अर्थ होता है। एक बार एक राजकुमार बड़ा क्रूर था, जो ऋषियों की तपस्या को भंग करता था और गरीबों को परेशान करता था। उसका नाम था गण। तो वह एक दिन जंगल गया, जिस जंगल में उसे कपिल ऋषि मिले। कपिल ऋषि ने उनका बहुत स्वागत किया, आवभगत की। आवभगत करने के बाद उनसे कहा कि आप मेरी कुटिया में चलिए। तो जैसे ही वह उसकी कुटिया में गए और वह उनकी उपासना यानी कि हंसने लगे, हंसते हंसते उसने कहा, यह है तुम्हारा घर। तो उन्होंने अपने गले से चिंतामणि निकाली और अपने सामने जो मेज रखी थी, चिंतामणि को मेज पर रख दिया। उस चिंतामणि को उन्होंने प्रणाम किया और उसे ही देखते देखते वहाँ पर एक रसोई घर तैयार हो गया। रसोई घर में खाना तैयार हो गया। तैयार होने के बाद उन्होंने कहा कि चंदन की चौकी भी तैयार है, आप बैठिए, आप सबके लिए खाना परोसा जाएगा। खाना भी चांदी के बर्तनों में ही परोसा जाएगा। गण और उसके साथी जितने भी थे उनके साथ उन्होंने खाना खाया, खाने का स्वादिष्ट लाभ भी उठाया। और उन्होंने खाना खाने के बाद कपिल ऋषि से कहा कि मुझे वह रत्न दे दीजिए। कपिल ऋषि ने देने से मना कर दिया। वह राजकुमार को अच्छी तरह से जानते थे कि राजकुमार क्रूर है और वह किसी पर दया नहीं करता, तो उसके स्वभाव को जानते हुए भी उन्होंने उससे मना कर दिया। तो फिर क्या था, राजकुमार ने अपनी क्रूरता दिखाई और बलपूर्वक उससे वह रत्न छीन लिया। फिर क्या था, कपिल ऋषि ने गणपति जी की आराधना की। जैसे ही गणपति की आराधना की, वैसे ही जंगल में उनकी सेनाएं तैयार हो गई और गण के पीछे तीरों की बौछारें कर दी। तीरों की बौछार करने पर जब उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा, तब गणपति जी ने अपना परसु हथियार उठाया और उसे उसके पीछे छोड़ दिया। और जैसे ही वह परसु हथियार से उसकी हत्या हुई, तभी उसके पिता उसके पास आए और गणपति से उस बात के लिए क्षमा मांगी। कपिल ऋषि का जो चिंतामणि था वो उन्हें वापस लौटाया और उसे लौटाने के बाद उनके पिता ने उस गणपति से कहा कि मेरे बेटे को आप मृत्यु का दंड तो दे चुके हैं, उसके लिए आप उसकी आत्मा की शांति भी दीजिए और उसे माफ कर दीजिए। तो गणपति जी तो दयालु तो पहले से ही हैं, गणपति भगवान का नाम चिंतामणि पड़ा। तो ये है भगवान गणपति के चिंतामणि नाम के पीछे की विशेषता। मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।